समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मैं कैलाश नाथ यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ददन सिंह यादव जी बहुत से लोगों का नाम इस सूची में है, बहुत से लोग आए ही नहीं है। भाई बाबू राम पाल जी और हमारे साथ सांसद रहे और जिन्होंने 3 दिन तक आतंकवादियों की गोली का मुकाबला दरवाजा बंद करके किया जान बचाने के लिए भाई यादव जी लालमणि जी हमारे साथ सांसद थे। मैं आपका स्वागत करता हूँ। विद्या गौतम जी, मदन मोहन यादव जी, नरकू यादव जी, भाई तेज बहादुर यादव जी, पिछड़ा वर्ग की वरिष्ठ नेता, प्रदेश महिला सभा के सचिव पूनम मौर्या जी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई अभिमन्यु यादव जी, जिला प्रचार सदस्य विजय सरोज जी, मोहनलाल जी, तमाम हमारे मंच में बैठे हुए भाई मोहनलाल जी है, भाई साहब लाल जी है, नाम तो बहुत है, भाई देवसरण जी है, जगन्नाथ जी है, सामने जो है बैठे हैं हमारे प्रथम सम्मानित प्रधान दिलमोहन यादव जी और सम्मानित प्रधान रमेश यादव जी और लोरिक नेता जी जो हमेशा समीकरण बनाते हैं बैठ करके जो है तमाम हमारे साथी सामने बैठे हुए हैं। आप सभी सभी सम्मानित साथियों में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों हम बड़े ध्यान से पूर्वक्ताओं की बातें सुन रहा था। हमारी लड़ाई जिससे है हमें उसी की बात करनी है। हम बसपा ने कुछ नहीं किया, सामाजिक न्याय नहीं दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने सामाजिक नहीं किया, ये सब बात करने के लिए यहाँ नहीं आए। और जिसको सोशल जस्टिस डेफिनेशन नहीं मालूम है वो क्या जाने। आजादी के बाद जब आरक्षण लागू हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले देश में उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू किया। एक मुशाहिद को ब्लॉक प्रमुख बनाने का सम्मान किसी ने दिया तो मुलायम सिंह यादव ने दिया। मुशाहिद को प्रधान बनाने का किसी ने सम्मान दिया तो मुलायम सिंह यादव ने दिया। अब बताएं जब सामाजिक न्याय सपा को मौका मिला तो सामाजिक न्याय दिया कि नहीं दिया। हम यहाँ पे हमारे लड़ाई समाजवादियों से है जो हमारे हक अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। हम उनसे जागरूक करने के लिए आए। जब आप जागरूक हो जाओगे तभी आप अपने लोगों को जगा पाओगे। ऐसे हमने एक कार्यक्रम किया था जागो और जगाओ। जब आप जाग जाओगे आपके बाद में दिमाग में समझ में आ जाएगी तभी आप दूसरे के जगा पाओगे। आगे जाति जनगणना का सवाल बहुत दिनों से चल रहा है। समाजवादी पार्टी को 70,000 की भर्ती थी, एक खबरेबाजी की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी ने ही बात उठाई और कहा कि इसका जवाब नहीं दिया जा रहा। कई बार बातें आ गई। 13,000 पर काट करके प्रकाश को दे दिया गया और 7,000 व्यक्तियों को काट करके दे दिया गया। इस सामाजिक न्याय का जो गलत होना जा रहा है हमें उससे अपने आप को जागरूक होना है। क्या इसे कैसे बचाएंगे। जाति जनगणना की कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी और हमें भी बुलाया गया था नयपुर गांव सभा पिंडरा में। बिहार के मंत्री आए थे, श्रवण कुमार जी जेडीयू के नेता हैं, कई बार के मंत्री हो भी आए। करीब 1,500 की पब्लिक थी, बहुत भीड़ थी। सबके ऊपर जो सर पे जो है सरदार सेना की टोपी लगाए हुए बैठे थे और जय संविधान की टोपी लगाए हुए। हमें मौका मिला, मैंने बहुत धन्यवाद दिया माननीय मंत्री जी को कि आपने बिहार से जो है जाति जनगणना का जो बिगुल बजाया है, जो वहां संकल्प लिया है, आपने घोषणा किया है और अब आपका जो एजेंडा है वो भी जाति जनगणना का है। हम तो हक अधिकार देना चाहते हैं कि जाति जनगणना करा लो, जिसकी जो भागीदारी हिस्सेदारी ले लो
चाहे पाल समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे लोहार हो, चाहे विश्वकर्मा हो, हम सबको अवगत कर देना चाहते हैं। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का रहस्य बढ़ा रही। मैंने कहा बहुत लंबा पंडाल था, मैंने कहा आप लोग जाति जनगणना करना चाहते हैं तो सब लोगों ने हाथ उठाया, हम चाहते हैं। हम ये बात चाहते हैं कि केवल सरदार सेना और जय सरदार की टोपी लगाने से नहीं हो पाएगी। अगर ये सरकार 2024 तक जो है जाति जनगणना नहीं कराती है प्रदेश की सरकार, तो अपने अपने बूथों को भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दीजिए। इसके बाद जो है सरकार सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि आप बैकवर्ड 50 साल पहले वाला नहीं है, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो जाएगा। जब आप समय आएगा हक अधिकार बदलने का, हक अधिकार लेने का, तब आप बाहर जाते हैं, कहीं दारू में बहक जाते हैं, तो कहीं पैसा में बहक जाते हैं, कहीं कपड़ा में बहक जाते हैं। आपने कभी सोचा कि उनका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल तमाम लोगों ने कितने संघर्षों की बात किया, इस वोट का अधिकार हमें कैसे मिला, कभी इस पर मंथन किया? और आप भाग जाते हो जो है, और भाग करके वोट जो है समाजवादियों के पाले में कर देते हो। मैंने किस्सा सुना है, बताया कि आप बैकवर्ड दलित है। एक मेला लगा हुआ था, उस मेले में एक स्टार में बहुत भीड़ थी और भीड़ में 4,000 रखा था। एक पर लिखा था ब्राह्मण बुद्धि, एक पर लिखा था क्षत्रिय बुद्धि, एक पर लिखा था वैश्य बुद्धि, एक पर लिखा था शूद्र बुद्धि। ब्राह्मण बुद्धि की कीमत 1,00,000 रुपया, अब आपका मुकाबला है उनसे, उनके बुद्धि की कीमत 1,00,000 रुपया, वैश्य बुद्धि की कीमत 50,000 रुपया और क्षत्रिय बुद्धि की कीमत 20,000 रुपया, शूद्र बुद्धि की कीमत 300 रुपया। अब वो शुद्ध समाज का व्यक्ति का भड़क गया, अरे भाई हम लोग 85% है, हमारी कीमत मात्र 300 रुपया किलो, अरे 15% ब्राह्मण क्षत्रिय उनका 1,00,000 रुपया किलो। दुकानदार का मेनू पर भाई तुम भड़क रहे हो, आप जब चुनाव आता है, जब दलित बैकवर्ड का भविष्य बनाना होता है, शुद्ध समाज का तकदीर बनानी होती है, तो कोई कपड़ा में बिक जाता है, कोई दारू बिक जाता है, कोई मुर्गा बिक जाता है, कोई फंसी में बिक जाता है, तो तुम्हारी बुद्धि कीमत 300 रुपया नहीं रहेगा, 3,00,000 रुपया रहेगी। तो सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, कहां पहुंच जाते हैं। आज जो यादव के खिलाफ एक जहर होया गया दो चुनाव से, अगर समाजवादी पार्टी वोट दोगे तो सपा सरकार बनी रही, यादव का हित होगा और हमारे बैकवर्ड समाज के लोग पाते हैं। भाग गए कि चलो भाग गए, सही बात कह रहे हैं आरक्षण संघ के लोग, भाजपा के लोग, अगर अरे कमजोर हो जाएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे, लगे तो हम मजबूत बनाने अपने आप को, क्या होगा? 73,000 में 13,000 छाट में ले ले रहे, 80 का भी 21 में 7,000 ले लिए, 39 आईएएस चार्ज बना दिए जो है। कितने बैकवर्ड बनाए गए, मालूम चलो यादव नहीं बनाए, मौर्या को बनाना चाहिए था, पटेल को बनाना चाहिए, विश्वकर्मा को बनाना चाहिए, प्रजापति बनाए, पालकर जी कितने बनाना चाहिए था। लेकिन जब हक अधिकार आपने हाथ उनको मजबूत कर दिया, उनको ताकत दे दिया, तो किसका काम कर रहे हैं? अपर गांधी कह दिए कि यादव जो है, यादव तो हमेशा बैकवर्ड की लड़ाई लड़ा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजनीति से यादव बेदखल हो जाएगा। यादव बैकबोन है, रीढ़ बैकवर्ड की रीढ़ का बैकबोन है, जिसकी फूट जाएगा उसे किसी का पता था नहीं चलेगा। पूछिए जिसकी कराकर में जब आरक्षण लागू हुआ तो 27% तो क्या केवल यादव के लिए हुआ था? पूरे देश में द्वारा लगाई गई जो है, पूरे देश में द्वारा दिया गया, डाक पक्ष चलाया गया, कुशापी चलाया गया, रोड चलाया गया जो है, और किराकत में ट्रकों से भर भर करके डोभी से समाजवादी लोग आकर के गोपिया जला रहे थे जो है। जब जला रहे थे तो वही अकौली शहाबुद्दीन बदल के तमाम यादव, जब जिससे भैंसा हाका जाता, जब लाठी लेके कंधे पे निकले, तब लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, तब जाके साथ हुआ एक महिला के आकर में रास्ते पर। क्या अपने लड़ाई लड़ रहा था, क्या यादव अपने लिए लड़ रहा था? आरक्षण तो सबके लिए लागू हुआ था, सबकी लड़ाई लड़ रहा था। आज लोग यादव की बात करते हैं कि यादव ऐसा करता है, यादव ऐसा करता है,
यादव है जो सामाजिक न्याय लाई रखता है, लाल यादव के ले लो, शरद यादव के ले लो, रामविलास पासवान के ले लो, मुलायम सिंह यादव के ले लो, देवी किसान मंडल के ले लो, अमेश प्रसाद के ले लो, इन्हीं लोगों ने सामाजिक न्याय के लाई ना, इन्हीं लोगों ने तो आरक्षण लागू किया करा दिया है, लेकिन आज भी लोगों पर लाया जाता है। कहा जाता है भाजपा वाले सीधे कहते हैं, अरे भैया देखा चल रहा है, बाकी महंगाई हो, महंगाई था लेकिन ये भाषा सीधे डायरेक्ट जो है अपर कास्ट के लोग बोलते हैं, आप लोग चुप रहते हैं, आप लोगों की बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कौन समाजवादी कौन शोषण करता है, हजारों हजार वर्ष से शोषण करने वाला कौन है, किसने हमें पढ़ाई लिखाई शिक्षा दिशा से वंचित किया था, किसने लिखा था कि अगर शिक्षक शुभ समाज ग्रहण करेगा तो सेवा काट दी जाएगी, किसने लिखा था शादी विवाह के बाद पहले तीन दिन महिला का शुद्धिकरण किया जाएगा, जिसको 1813 में रेपो रेट जो है खत्म किया जो है, किसने जो है हमें गुलाम की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जो है, आज बरगलाया जाता है, वही आज भी जिंदा है, आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, टोटल आरएसएस जो कहता है वही भारतीय जनता पार्टी करती है, आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गोलवल कर ने कहा था अगर पाइपर दलित को हक अधिकार दिया जाएगा इसे अच्छा हक मुझे नहीं गुलामी पसंद है, अंग्रेजी गुलामी की पसंद क्या, उसने कहा कि हक अधिकार नहीं दिया जाएगा, आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसने ये भी कहा था देश की पूंजी मात्र 4 लोगों के हाथों में कुंजित कर दीजिए, कैद कर दीजिए, इसके बाद आप सैकड़ों साल का शासन करते रहेंगे, शिक्षा से वंचित कर दीजिए, जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो अपने हक अधिकार का लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, आप जब अंग्रेज आए शिक्षा का अधिकार मिला, महात्मा ज्योतिबा फुले पढ़े शिक्षक बड़े जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण किया, तमाम लोगों ने शिक्षा धीरे धीरे ग्रहण किया, तब वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े, आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सके, एक बड़ी गहरी साजिश चली जा रही है, आपके पीछे गहरी साजिश सबसे समझो, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके पीछे यही साजिश है कि न बांस रहेगा, न बांसने की बात हुई, न गवर्नमेंट ऑफिसर रहेगा, न तो सरकारी कंपनी में बैकवर्ड दलित को नौकरी मिलेगी, जब सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएगी तो अपने आप शिक्षा से दूर हो जाएगी, एक गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी जो बैठी हुई है, जिसने कहा सबका साथ सबका विकास, एका गुप्त एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ सुख समाज का विकास एक गांधी एजेंडा है, और इसी एजेंडे पर अमल करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कब तक बहुत दूर दूर तक बैकवर्ड दलित के हितों से इनका कोई लेना देना नहीं है, और जितने बैकवर्ड समाज के नेता धनी समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में है कोई बोल नहीं रहा, कोई नहीं बोल रहा है, सब अपनी अपनी रोजी रोटी से करें, सब अपने चिंता में हैं। एक नेता थे जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में बैकवर्ड समाज के लीडर नहीं है, लोडर है, लेकिन वो भी भैया फिर से दोबारा लोडर बनने की लाइन में खड़े हो गए, अपने बेटे को एजेंसी बनाना चाहते हैं, संजय निषाद आरक्षण की बहुत बात करते थे, आज अब उनका बेटा एमपी हो गया, एक बेटा एमएलए होगा, मिस्टर हुए तो आरक्षण की बात खत्म हो गई, आरक्षण की बात समाप्त हो गई जो है, तो ये जो सब लोग अपने अपने बिरादरी का मुख्यमंत्री बना रहे हैं बैकवर्ड के लोग, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस करके तमाम छोटे छोटे दल चला रही है, तुम लोग अपना दल चलाओ, अपने समाज को जो है कपिल रखो, अपने समाज का दूसरे दल चलो, तो आप सब लोग पिछड़ा दलित विकास महासंघ के बैनर तले हैं, पिछड़ा दलित का विकास कैसे होगा ये मंथन करिए, और जगह जगह जाकर के गांव में भी आप समझिए और समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक पिछड़ा दलित की चिंता कभी ही नहीं है, जिसने हमें हमारा सारा हक अधिकार छीन दिया था, हमें जो नंगे पांव कर दिया था, सब कहानियां बड़ी लंबी है जो है, 1932 से जिस तरह से बैकवर्ड को पाका दिया, 1932 में ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिल गया होगा तो आज कहां बैकवर्ड होगा जो है, लेकिन संघर्ष 60 साल के बाद फिर जाके 91 में मिला साथियों, ऐसे में आप सबसे कहना चाहूंगा आप सब लोग जागे और जगाइए लोगों को जो है,
लगाइए कहिए सबसे पहले जो चावल गेहूँ वालों से संपर्क करिए, ये चावल गेहूँ पाकर मस्त है जो है, कोई काम धाम नहीं कर रहे, तो ये भी लोगों को जो है पंगु बनाने की साजिश है, उनके बीच में बैठ के आप बताएंगे ये चावल गेहूँ जिसके भी सरकार रहेगी उसकी सरकार मिलेगा। ये खाद्यान्न योजना भाजपा के समय की नहीं है, ये खाद्यान्न योजना कांग्रेस राजीव गांधी ने चालू किया था। ये खाद्यान्न जो मिल रहा है किसी के बाद के गोदाम से नहीं मिल रहा है, जिसकी भी सरकार आएगी उसकी सरकार मिलेगा, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ये सरकार खाद्यान्न दे करके आपसे वोट लेकर के आपका यानी आपके बच्चों का भविष्य हमेशा हमेशा के समाप्त करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे नेता। एक बात क्या होता ताली आप सभी लोग